हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो नॉर्थ ईस्ट लेट पेपर वन प्रिपरेशन के लिए आज हम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम पूरा कम्युनिकेशन का सिलेबस डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे, जिससे इजीली आप सभी करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन पर मेजर फोकस रखिएगा, क्योंकि इजीली यहाँ पर 100 में से 80 प्लस स्कोर करके आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। सो आपके पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है, जहाँ पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ हम एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी देते हैं। स्टूडेंट्स, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे, जहाँ पर सबसे पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे। उसके साथ ही सेम टॉपिक पर अगले दिन MCQs एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ताकि इजीली कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपको ये भी पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस MCQs हैं, साथ ही फुल सिलेबस नोट्स है, जिसकी खास बात ये है कि इसको आसानी से आप अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, जिसमें से जरूर एज इट इज क्वेश्चंस आएंगे। 2000 प्लस MCQ क्वेश्चन बैंक है, जो कि आपके फाइनल रिविजन के लिए बहुत ज्यादा मदद करती है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको सिर्फ गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करना है, एंड डेली 9 PM लाइव लेक्चर्स के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। इसमें स्टोर सेक्शन पर जाने के बाद आपको सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। इस कोर्स के ओवरव्यू को अच्छे से देखिए, कंटेंट पर क्लिक करोगे, फ्री वीडियोस भी अवेलेबल है, मॉक टेस्ट है, एंड लाइव लेक्चर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये ही एक ऐसा कोर्स है जो आपको गारंटी के साथ साथ 100% सिलेक्शन की भी बात करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ गिवन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कीजिए और इस कोर्स की पूरी जानकारी ले लीजिए। सो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको देती हूँ क्लासरूम कम्युनिकेशन के 5 क्वेश्चंस। स्कोर अपना नोट। द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट, टीचर कम्युनिकेट्स विद हिज और हर स्टूडेंट्स। तो इसमें पूछा गया है कि अगर एक टीचर एक स्टूडेंट से कम्युनिकेट करते हैं, तो कौन सी चीजें उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट टीचर से बात करते हैं ये नहीं बोला गया है, सिर्फ टीचर स्टूडेंट से बात करते हैं ये बोला गया है। इन दोनों चीजों में डिफरेंस होता है कम्युनिकेशन के सेक्शन में, राइट। ऑप्शंस आर सिंपथी, यानी कि सहानुभूति, एम्पथी, ये भी सहानुभूति लेकिन डिफरेंट वे में, एपेथी उदासीनता, या फिर एंटीपैथी यानी कि घृणा। सो आपको पता होना चाहिए कि जब एक टीचर एक स्टूडेंट से बात करते हैं तो क्या चीज को उसको ध्यान में रखना चाहिए। दैट इज ऑप्शन नंबर 2, सिंपथी, सॉरी एम्पथी। सिंपथी सहानुभूति होता है, इन द सेंस कि किसी पे हम तरस खा कर उनसे बात कर रहे हैं, है ना। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट वीक है, कोई स्टूडेंट पुअर है, तो हम उनसे उस सिंपति के साथ बात करते हैं, उनपे थोड़ा सा तरस खाते हुए बात करते हैं। इस तरह से कभी भी एक टीचर को उनके स्टूडेंट के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया एम्पैथी। सो आई होप आपने यहाँ पे वीडियो को पॉज किया होगा एंड देन इसका आंसर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए। इन द क्लास रूम द टीचर सेंड्स द मैसेज ईदर एज वर्ड्स और इमेजेस, द स्टूडेंट्स आर रियली। सो एक क्लासरूम में टीचर क्या करते हैं, टीचर ने मैसेज दे दिया स्टूडेंट्स को, किस फॉर्मेट में, कोई वर्ड्स की फॉर्मेट में या फिर इमेजेस के फॉर्मेट में। वर्ड्स के फॉर्मेट में है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ। इमेजेस के फॉर्मेट में है कि फोटोज की हेल्प से मैं आप तक बात पहुंचाऊं। तो स्टूडेंट्स इसमें कौन है, एनकोडर है, डिकोडर है, एगिटेटर है या फिर प्रोपेगेटर है, राइट। सो एनकोडर एंड डिकोडर ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपका आंसर ठीक है तो आप मूव कर सकते हो, अगर गलत होगा तो आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। एनकोडर होता है, जैसे मैं हूं, मेरा नाम है अंकिता, ठीक है। आप कोई भी स्टूडेंट हो, ABC इंडिविजुअल स्टूडेंट की मैं यहाँ पे बात करती हूँ। सो मैं आप लोगों को मैसेज दे रही हूँ, मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, तो मैं हुई एनकोडर, जो मैसेज को रिसीव करता है, ठीक है, जो मैसेज को रिसीव करता है वो होता है हमेशा डिकोडर। तो यहाँ पे बोला गया है कि टीचर मैसेजेस भेज रहा है एंड स्टूडेंट्स यानी कि रिसीव कर रहे होंगे, तो स्टूडेंट क्या हुए, स्टूडेंट हुए इस केस में डिकोडर। तो इस चीज को याद रख लीजिए, ये टीचिंग कम्युनिकेशन। इसके अलावा भी अगर कहीं पे, अगर मान लीजिए टीवी है, टीवी से हम कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो इनकोडर हुआ,
हम जो इंफॉर्मेशन सुनने वाले जो बैठे हैं वो डिकोडर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर इज लेबल्ड एज रीजन. Assertion, reason, दो statements हैं. Assertion बोलती है, use of slang in formal teaching makes communication lively and interesting. यानी कि formal teaching जैसे school में teaching होती है, वो formal teaching होती है. एक proper format, एक proper way को वहाँ पे follow किया जाता है. इसमें बोला है कि अगर कोई person उसको slang के साथ use करता है, जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ, मैं examples के साथ बता रही हूँ, मैं थोड़ी tone के साथ आपको बता रही हूँ, थोड़ा interesting way में आपको बता रही हूँ, this is called slang in communication. तो अगर इस तरह से बोला जाए, इस तरह से पढ़ाया जाए, तो बोला गया है कि communication lively और interesting हो जाती है, यानी कि वो जीवंत और रोचक हो जाती है. इसका कारण ये बताया गया है कि academic decency demands avoidance of slang in the classroom environment. इसमें बोला गया है कि जो academics होती हैं, जो academics होती हैं, वो इस slang को classroom environment में use करने के demand को avoid करती है. यानी कि इसमें बोला गया है कि वो चीज़ वहाँ पे हमें नहीं बोलनी चाहिए. So right answer क्या हो सकता है? Both A and R are true. R is the correct explanation of A. इसमें बोला है कि दोनों true हैं, लेकिन R जो है इसकी explanation नहीं हो सकती. इसमें बोला है दोनों true हैं एंड आर इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती. सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन में बोला था कि आर इसकी एक्सप्लेनेशन है. इसमें पूछा है ए ट्रू है बट आर फॉल्स है, एक्सप्लेनेशन के बारे में कोई बात नहीं की गई है. इसमें बोला गया है ए फॉल्स है एंड आर ट्रू है. सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ए जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है लेकिन आर बिल्कुल ट्रू है. अकेडमिक्स में आप लोगों को मैं गाना गाकर तो नहीं पढ़ा सकती, कहीं ना कहीं वो छोटे बच्चों के लिए एप्लीकेबल होती हैं चीजें, बट हायर एजुकेशन की बात करें तो नहीं, इंस्टीट्यूशंस और ये चीजें में हमें हेल्प करती हैं. एंड इसमें ये बोला है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन वुड हेल्प स्टूडेंट्स इंटरनलाइज. सो अगर एक क्लासरूम में इफेक्टिवली स्टूडेंट्स और टीचर्स कम्युनिकेट करते हैं तो वो स्टूडेंट्स को क्या चीज इंटरनलाइज करने में हेल्प करती है. यानी कि इंटरनलाइज करने का मतलब होता है कि कौन चीज उनकी आंतरिक चीज बन जाती है, एक नेचर बन जाता है. नॉलेज, सब्जेक्ट मैटर, आर्टिकुलेशन, नॉन रिस्पॉन्सिवनेस एंड मोडेलिटीज ऑफ रेजिडेंस. यहाँ पे इंटरनलाइज का मतलब बताऊं मैं, जैसे कि अगर हम लोग आपको मोटिवेशनल वीडियोस अगर आप देखते हो, एक दिन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दो दिन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर आप इसको अपनी रूटीन बना लेते हो, साल हो गया, डेढ़ साल, दो साल आप इसको लगातार सुनते हो मोटिवेशनल वीडियोस को, तो वो जो थॉट्स होते हैं वो इंटरनलाइज हो जाते हैं, वो आपका एक स्वरूप बन जाता है, आपके नेचर में वो नेचुरल चीजें हो जाती हैं. ठीक है, सो वही चीज यहाँ पे बोली गई है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ई, सॉरी ए बी सी ओनली, ए बी एंड सी ओनली. सो अगर क्लास में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रही है तो स्टूडेंट नॉलेज को परमानेंट अपने दिमाग में रख लेंगे, सब्जेक्ट मैटर को समझ लेंगे एंड आर्टिकुलेट कर लेंगे. अब देखो इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताती हूँ. सपोज मैं आप लोगों को एक मटका, मिट्टी का मटका आपने सुना होगा, वो बनाना सिखा रही हूँ. तो अगर मैं आपको सिखाती हूँ तो अच्छे से अगर मैं सिखाऊंगी तो आप वो नॉलेज, वो ज्ञान अपने दिमाग में रख लोगे. ठीक है, आपको सब्जेक्ट मैटर भी पता चल जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे बनाना है, जीरो लेवल से कैसे हम वो मिट्टी लेकर आएंगे एंड फाइनली वो मटका किस तरह से हम बनाएंगे, ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी. एंड आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जोड़बंदी, यानी कि इस शेप का मटका बनाना तो आपने मुझसे सीख लिया, अब आप उसको आर्टिकुलेट कर सकते हो. यानी कि अपने नॉलेज को यूज करके आप बड़ा मटका भी बना सकते हो, आप कोई इस शेप का मटका भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. राइट, सो आई होप यहाँ पे ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस फॉर. सो क्लासरूम में जो बातचीत होती है, अब यहाँ पे बातचीत का मतलब ये नहीं है कि क्लासरूम में बच्चे गप्पे मार रहे हैं या टीचर्स गप्पे मार रहे हैं. यहाँ पे क्लासरूम कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में, या फिर एक टीचर और मल्टीपल स्टूडेंट्स के बीच में क्या इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है. पढ़ाते समय जैसे मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, जैसे मैंने आपको मटके का एग्जांपल दी, इस तरह से हम एग्जांपल्स के रूप में क्या बातें कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्लासरूम कम्युनिकेशन. क्या होती है, किसके बेसिस पे होती है, वो सोशल आइडेंटिटी, एक्सटर्नल इनिटीज, बायस पैसिवनेस या फिर ग्रुप एग्रेशन. सो राइट आंसर यहाँ पे होगा सोशल आइडेंटिटी. राइट, सो एक पर्सन की सोशल आइडेंटिटी क्या है, सामाजिक पहचान क्या है, वो उसके क्लासरूम कम्युनिकेशन पे एक मेजर
इम्पैक्ट डालती है। अब मान लीजिए मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, सोशली मैं किसी के साथ अच्छी नहीं हूँ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो क्या मैं अच्छी टीचर बन सकती हूँ? नहीं बन सकती, क्योंकि अगर मुझे अच्छे टीचर बनना है तो एक शांत नेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी स्टूडेंट ने कुछ बोला एकदम से हम गुस्से में आ गए, एकदम से कोई एक्शन ले लिया। तो सोशल आइडेंटिटी यानी कि दुनिया के सामने मैं कैसी हूँ, ये एक क्लासरूम में टीचर का बिहेवियर बहुत ज्यादा चीजें दर्शाता है। राइट, सो राइट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर 1। सो ये थे 5 क्वेश्चंस। अब इस पर बेस्ड मैं 2 एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपको देती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट एलिमेंट अ टीचर हैज टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ व्हाइल एड्रेसिंग अ स्टूडेंट इन क्लासरूम। सो एक टीचर जब एक स्टूडेंट को क्लासरूम में आइडेंटिफाई करता है, जैसे मैंने एक टीचर स्टूडेंट ए को बोला कि चलो इसका आंसर मुझे बताओ, तो मैं किस टोन में, किस वे में उसको एड्रेस करती हूँ, किस वे में उसको बुलाती हूँ, उस चीज को क्या बोला जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे है, आपने आंसर कॉमेंट करके बताना है। एंड कॉमेंट करके जरूर ये कहिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कौन सा है। तो ऑप्शन मत लिखिएगा, पूरा लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 जो भी इसका आंसर है। जैसे कि अगर है अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, वॉइस मॉड्यूलेशन, जो भी आंसर है वो आपने लिखना है, सो दैट मैं चेक करके आपको कॉमेंट में रिप्लाई कर सकूं अगर आपका आंसर गलत हो। तो यहाँ पे ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ये भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ सकते हो आराम से वीडियो को पॉज करके। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि दो लोग अगर बात करते हैं तो वो नेचर कैसा होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज, कौन सी लैंग्वेज, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं ठीक है, या फिर 3-4 लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो इनके बीच में लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, नॉन वर्बल, वर्बल, इंट्रापर्सनल या फिर सिंबॉलिक कोड। नॉन वर्बल आपको पता है जिसमें बोला नहीं जाता, वर्बल होता है वर्ड्स के थ्रू, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ ठीक है। इंट्रापर्सनल होता है जो एक पर्सन सिर्फ अपने आप से ही बात करता है। सिंबॉलिक कोड होते हैं जो सिंबल्स की हेल्प से बात करते हैं। तो जनरली आप लोग अगर आपस में बात करते हो तो क्या करते हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बात करते हो ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक है, जनरली जो बात करते हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन में हम बात करते हैं। नॉन वर्बल होता है जैसे मैं अपने एक्सप्रेशन से कोई बात आपको बताती हूँ, हैंड टच से बात बताती हूँ, आईब्रोज से हम इशारे करते हैं ना कुछ, ये सारी नॉन वर्बल होती है। हाथ से कुछ इशारे करते हैं, जैसे ये हमने इशारे कर दिए, थम्स अप हम करते हैं, तो इसका मतलब होता है ऑल द बेस्ट, यानी कि मैंने बोला नहीं, बस मैंने अंगूठा दिखाया और वो समझ गई ठीक है। ये होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जैसे कि हम बोल रहे हैं, रिटन, ओरल, विजुअल एंड ऑडियो विजुअल, यहाँ पे सब कुछ आपके सामने है। सेल्फ टॉक, ये जो मैंने आपको बताया, इंट्रापर्सनल ये होता है जो हम अपने मन में बात करते हैं, अपने आप से बात करते हैं। एंड सिंबॉलिक होता है एक्टिंग, सेटिंग, इन सब चीजों के थ्रू। राइट, सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, दैट इज वर्बल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। So, कौन सा सेट, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है, 5 वो स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है फॉर डिस्क्राइबिंग ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि आपस में जो लोग बातचीत करते हैं उसके रिगार्ड में कौन सी ट्रू है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिम्युलेट आइडियाज, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिना बोले हुए जो कम्युनिकेशन होता है वो आइडियाज जनरेट करता है। कम्युनिकेशन इज अ लर्न एबिलिटी, जो हमने सीखा है उसको ही यूज करके हम किसी से बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन, मोर कम्युनिकेशन मींस मोर इफेक्टिव लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। इसमें बोला गया है कि स्टूडेंट्स जितने ज्यादा कम्युनिकेट करेंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव लर्निंग होगी। वैल्यू ऑफ व्हाट इज लर्न थ्रू क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉट एन इशू फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि जो भी वैल्यूज क्लासरूम में स्टूडेंट्स को बताई जाती है वो स्टूडेंट्स के लिए कोई इश्यू होता ही नहीं है। सो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो राइट स्टेटमेंट्स है ए, बी एंड सी ओनली। सो राइट आंसर इज, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मॉडर्न एजुकेशनल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज। सो मॉडर्न एजुकेशनल कम्युनिकेशन क्या होती है, टेलियोलॉजी, नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव, अनअप्रोक्सीमेट या फिर टेलीस्कोपिक। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज टेलियोलॉजी। जैसे टेक्नोलॉजी होता है, टेलीकम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों को मिला करके टेलीलॉजिक बन चुका है या टेलियोलॉजी जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज, कम्युनिकेशन में लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ये मैंने आपको अभी बताया, देखो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गुड कम्युनिकेटर इज द वन हु ऑफर्स टू हिज ऑडियंस. एक अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है जो अपनी ऑडियंस को क्या प्रोवाइड कराता है. प्लेंटीफुल ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि भरपूर जानकारी. गुड अमाउंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स यानी कि आंकड़ों यानी कि अच्छा पैसा कमा रहे हैं स्टेटिस्टिक्स उनका अच्छा जा रहा है. कंसाइज प्रूफ यानी कि प्रूफ के साथ हर काम जो बंदा जो पर्सन प्रूफ के साथ करता है क्या वो एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है. या फिर रिपीटेशन ऑफ फैक्ट्स जो एक ही फैक्ट को एक ही बात को बार 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 बोलता रहे कि वो अच्छा कम्युनिकेटर होता है. तो इजी क्वेश्चन है जो पर्सन आपको प्लेंटीफुल ऑफ इंफॉर्मेशन देता है वो एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है. अब देखो जैसे कि हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो भी स्टूडेंट्स ग्लोबल ऑनलाइन पे एक बार देखते हैं वीडियोस वो बार बार आते हैं. क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है एग्जाम से रिलेटेड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हम देते हैं. अगर हम लोग एक ही फैक्ट को बार 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 बोलते ही रहे तो क्या आप वापस आओगे? नहीं आओगे. एक ही टॉपिक को मैं आपको रोज 1 वीक तक पढ़ा रही हूँ जबकि वो इजीएस्ट टॉपिक है. आप लोग बोलते हो कि हमें समझ आ गया फिर भी मैं बताती रहूं तो क्या वो एक रिलेवेंट क्या वो गुड एजुकेटर या गुड कम्युनिकेटर है? वो नहीं है. तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है. अगेन 2 क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड. नेचर ऑफ कम्युनिकेशन टॉपिक हमने किया उस पर बेस्ड 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन है. अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी. आप लोग क्वेश्चन पढ़ो वीडियो पॉज करके. एंड ये क्वेश्चन नंबर 3 है. आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 3 जो भी है जैसे डोमिनेशन है पैसिविटी है तो प्रॉपर वहां पे आपको लिखना है. एवरी कम्युनिकेटर हैज टू एक्सपीरियंस. क्या है आंसर इसका कॉमेंट करके बताइए. नेक्स्ट आता है सेक्शन जिसमें हम बात करने वाले हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में. सो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में पहला क्वेश्चन वी हैव इज The mode of communication that involves a single source transmitting information to a large number of receivers simultaneously is called. So communication का वो कौन सा mode है कौन सा तरीका है जिसमें कि एक single source transmitting information use होती है to a large number of यानी कि एक teacher. इसमें पूछा है ना देखो single source transmitting information एक source है एक ही पर्सन बहुत से लोगों को यहाँ पे 400 लोग बैठे हैं बहुत से लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपको बता दूं जो मैसेज देता है जैसे हमने बताया मैसेज देने वाला एनकोडर होता है मैसेज लेने वाला डिकोडर होता है वैसे ही मैसेज भेजने वाला इस तरह से मैसेज आ रहा है मैसेज भेजने वाला सोर्स होता है जो मैसेज ले रहा है वो डेस्टिनेशन जगह होती है. तो एक पर्सन बहुत से लोगों को अगर मैसेज देता है तो उसको क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है मास कम्युनिकेशन. ठीक है मास कम्युनिकेशन उसको बोला जाता है. ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है कि इस तरह से बहुत से लोग हैं वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं आपस में बात कर रहे हैं सब अपने आइडियाज शेयर करते हैं. इंट्रापर्सनल मैंने आपको बताया एक पर्सन अपने आप से ही जो बात करता है. इंटरपर्सनल होता है 1-to-1 पर्सन ए सिर्फ पर्सन बी से बात करता है. तो ये 4 ऑप्शंस भी मैंने आपको बता दिया. आगे कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा तो जरूर आपको पता होना चाहिए. राइट मास का मतलब होता है एक पर्सन बहुत से लोगों को जैसे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होती है स्पीच होती है वहां पे स्टेज पे एक पर्सन बोलता है नीचे ऑडियंस बैठी होती है बहुत सारी दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन. ठीक है सो यहाँ पे आप देख सकते हो सो मास कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं. इससे आप डिफरेंट तरीके से देख सकते हो जैसे प्रिंट मीडिया है न्यूज़पेपर कहीं एक जगह से प्रिंट होता है पूरे वर्ल्ड में पूरे इंडिया में वो बढ़ता फैलता है स्प्रेड होता है. कॉमिक्स होती है ब्रॉडकास्ट मीडिया फिल्म टेलीविजन रेडियो एक जगह से ब्रॉडकास्ट किया जाता है पूरे इंडिया में हम देखते हैं. ठीक है उस तरह से ये सारी चीजें आप देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनिशियल एफर्ट्स फॉर इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन वॉज फॉर. सो इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन अगर हमने करना है तो उसमें इनिशियल एफर्ट यानी कि सबसे आरंभिक प्रयास क्या होने चाहिए. कॉमर्शियल कम्युनिकेशन मिलिट्री पर्पजेस पर्सनल इंटरेक्शन पॉलिटिकल कैंपेन. सबसे पहले मिलिट्री पर्पजेस के लिए इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन को स्टार्ट किया गया था. अब तो हर जगह इंटरनेट यूज होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी एम्प्लॉयड इन अ क्लासरूम फॉर इफेक्टिव टीचिंग. सो अगर क्लासरूम में हमें इफेक्टिव टीचिंग चाहिए तो कौन से कम्युनिकेशन का मॉडल मोड हमें यूज करना चाहिए. टॉप डाउन मतलब एक अपर लेवल का जैसे कोई स्टूडेंट है या टीचर है वो लोअर लेवल वालों से बात करते हैं. सीनियर क्लास का स्टूडेंट जूनियर क्लास के स्टूडेंट से बात करता है. आइकॉनिक एसोसिएशनल डिसोसिएशनल सिंबॉलिक एंड एब्स्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 दैट इज बी सी एंड ई. ठीक है ये है बी आइकॉनिक होना चाहिए सी
एंड ई। बहुत इजी क्वेश्चन था, इस ऑप्शन को तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया क्योंकि डिसोसिएशन है, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन बी इक्वेटेड विद। सो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, वहां पे कम्युनिकेशन होता है, वो किसके इक्वल होता है, कौन सा कम्युनिकेशन होता है, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप या फिर मास। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ये चारों बताए, इसका राइट आंसर जल्दी से आपको पता होना चाहिए, दैट इज ग्रुप कम्युनिकेशन। वहां पे जनरली इस तरह से बात की जाती है कि बहुत से लोग आपस में अपने आइडियाज शेयर करें, जैसे जनरली मीटिंग्स होती हैं। अभी एक चीज और मुझे कमेंट करके बताइए, ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये कौन सा कम्युनिकेशन का तरीका है, ये कौन सा कम्युनिकेशन का तरीका है, पूरा कमेंट कीजिएगा कि मैम आप जो पढ़ा रहे हो ये कौन सा तरीका है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप किस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे रहे हो। नेक्स्ट इज द टर्म ग्रेप वाइन इज ऑल्सो नोन एज। सो ग्रेप वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ग्रेप वाइन टर्म किससे रिलेटेड है, हॉरिजॉन्टल, डाउनवर्ड, इनफॉर्मल या फिर अपवर्ड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज इनफॉर्मल। ग्रेप वाइन होती है जिसमें कि हम ज्यादा ध्यान नहीं देते कम्युनिकेशन पे, बेसिक टर्म्स में यूज कर सकते हैं, ऐसे ही कहीं भी कैसे भी कम्युनिकेशन हो जाती है, तो उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एक्सरसाइज, अगेन यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, आपको कमेंट करके मुझे आंसर बताना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ठीक है, एंड ये क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर एक्सरसाइज, तो जरूर कमेंट कीजिएगा, आपकी बहुत अच्छी रिवीजन इन 6 क्वेश्चन से ही हो जाएगी। सो आई होप स्टूडेंट्स आज का ये सेशन आपको पसंद आया है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने इसमें कितना स्कोर किया, किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। एंड स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को कोई भी पर्टिकुलर यूनिट पे कोई क्वेश्चन चाहिए या पर्टिकुलर किसी सेक्शन पे आप चाहते हो कि मैं मॉक टेस्ट लेकर आऊं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल अ वेरी